इस समय रसिया और यूक्रेन के युद्ध की खबर चारों ओर छाई हुई है। ऐसे में एक कॉमन नाम है जो कि सबके सामने आ रहा है और वो नाम है व्लादिमीर पुतिन का। लोग पुतिन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो आइए दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको व्लादिमीर पुतिन के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज एजेंडा यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 में रसिया के एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। इनकी माँ फैक्ट्री में काम करती थी और पिता आर्मी में जॉब किया करते थे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुतिन ने अपने बचपन में ही जूडो कराटे की ट्रेनिंग ले ली थी। वहीं पुतिन का पॉलिटिक्स में कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था। इन्होंने पहली बार राजनीति में आने के लिए 1968 में कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत यूनियन को ज्वाइन किया। उस समय किसी को नहीं लगा था कि पुतिन का नाम दुनिया के सबसे पावरफुल पॉलिटिशियंस में लिया जाएगा। अपने शुरुआती दिनों में पुतिन ने रसिया के एक इंटेलिजेंस एजेंसी में बतौर अंडरकवर एजेंट काम किया। पुतिन का अपने काम को लेकर पैशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और इनके हार्डवर्क का रिजल्ट यह रहा कि इन्हें इंटेलिजेंस ऑफिस के हेड ऑफ डिपार्टमेंट का सीनियर असिस्टेंट बना दिया गया, जिसके कुछ सालों बाद पुतिन ने राजनीति में आने का निर्णय लिया। इसके बाद 1999 में ये पहली बार रसिया के प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन यहाँ तो पुतिन की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साल 2000 में रसिया के तत्कालीन प्रेसिडेंट ने अपनी पोस्ट से रिजाइन दे दिया। इसके बाद पुतिन ने पहली बार 2000 में रशियन प्रेसिडेंट की पोस्ट को ज्वाइन किया और वो लगातार दो बार साल 2008 तक रशिया के प्रेसिडेंट बने रहे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उस समय रशिया में एक नियम हुआ करता था जिसके चलते कोई भी पर्सन 2 से अधिक बार प्रेसिडेंट नहीं बन सकता था और इसी रीजन से पुतिन साल 2008 में फिर से रशिया के प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन साल 2012 में पुतिन ने एक बार फिर से चुनाव लड़ा और वो जीत गए, जिसके चलते इन्हें फिर से रसिया का प्रेसिडेंट बनाया गया और साथ ही रसिया में प्रेसिडेंट बनने के रूल में भी बदलाव किया गया। प्रेसिडेंट के लिए बनाए गए नए नियम के अनुसार इनका कार्यकाल 4 साल से बढ़ाकर 6 साल तक कर दिया गया, जिसके बाद साल 2018 तक पुतिन रसिया के प्रेसिडेंट बने रहे। लेकिन जब 2018 में रसिया में एक बार फिर से इलेक्शन हुआ तो फिर से पुतिन को जीत मिली और इसी के चलते पुतिन लगातार 4 साल से रसिया के प्रेसिडेंट बने हुए हैं। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनका कार्यकाल 2024 में समाप्त होगा। अगर बात करें पुतिन की फैमिली के बारे में तो इनकी 2 बेटियां हैं, मारिया और एकतरीना। वहीं अगर आप पुतिन की इनकम जानना चाहते हैं तो आपको बता दें कि रशियन करेंसी के हिसाब से इन्हें हर महीने 90 लाख रूबल्स दिया जाता है, जो कि इंडियन रुपए में 92 लाख रुपए के बराबर है। यानी कि रशिया में प्रेसिडेंट की सैलरी 92 लाख रुपए है। इसके अलावा पुतिन के कई सारे साइड बिजनेस भी हैं जिससे वो अरबों रुपए कमाते हैं, लेकिन आज तक इसकी डिटेल कहीं मौजूद नहीं है और ना ही पुतिन ने कभी इसका खुलासा किया। साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुतिन की टोटल नेटवर्थ लगभग 200 बिलियन यूएस डॉलर है, जो इंडियन रुपीज में 13 लाख करोड़ रुपए बनते हैं। साथ ही इसके अलावा भी पुतिन के पास कई लग्जरी गाड़ियां और घर हैं। तो दोस्तों, यदि रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन के जीवन से जुड़ी कुछ बातें। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल एज एजेंडा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। वेल फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।